हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चिकन टिक्का बना रहे हैं, चिकन मलाई टिक्का, तो जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। तो उसको कैसे बनाते हैं ये देखिए। मैंने चिकन लिया है 250-300 ग्राम के करीब है, तो मैंने इसमें आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन वाला भी ले सकते हैं, अच्छे से साफ़ करवा के इसको ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर मिक्स ही लिया है, बोन्स का भी है और बोनलेस भी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं, जो ज़्यादा बड़े पीस हो उसको आप कट कर लीजिए, नहीं तो इसी तरीके से ले लीजिए। अब इसमें क्या क्या डलता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद इसमें हंकड़ डालना है। हंकड़ आपके पास नहीं है तो थिक कर्ड ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हंकड़ हो, थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने ये ले लिया है। अब इसके अंदर स्वादानुसार नमक, मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया कुटा हुआ, थोड़ा सा गरम मसाला कुटा हुआ, थोड़ा सा मैं इसमें टेस्ट के लिए चाट मसाला डाल रही हूँ, सब आधा छोटा चम्मच, ये चम्मच इतना छोटा है मेरा, उसका भी आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ। इसके बाद ये देगी मिर्च ली है मैंने, तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं, इससे कलर आ जाएगा अच्छे से। तो ये सभी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपका पीस बड़ा तो उसमें आप कट भी लगा सकते हैं, जिससे कि मसाला जो है वो अच्छे से अंदर चला जाए। तो मेरे पीस ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं। इस तरीके से हम लोग इसको मैरिनेट के लिए रख देते हैं। आधा घंटा तो कम से कम रखना है, अब आप ज़्यादा रखें तो अच्छा है, तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है अच्छे से, मेरा को 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए, तो हम बनाते हैं। इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मेरे पास आज नींबू नहीं था, मैंने इसलिए डाला नहीं। नींबू के रस से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसको। तो ये देखिए, ये मैंने कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसको एक एक करके इसमें रख देंगे। शुरू में हम 5-7 मिनट इसको तेज आंच पे पकाएंगे, जिससे कि जो इसका पानी वानी है वो निकल जाए अच्छे से, फिर इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। तो ये मैंने सारे रख दिए हैं, जो थोड़ा मैरिनेशन बच गया है वो भी हम ऊपर से डाल देते हैं। इसको भी ढकना नहीं है हमने, अभी इसको खुले में ही पकाना है, जिससे कि इसका जो पानी निकलेगा वो सारा उड़ जाए। तो ये देखिए, ऐसे बनने देते हैं। ये देखिए, 2-3 मिनट हो गए हैं, कितना पानी छोड़ दिया है, और इसी पानी में ये बनेगा अपने आप। तो इसको ऐसे ही बना ले लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, बिल्कुल तरफ से भी अच्छे से हो गए।
देखिए एक तरफ से अच्छे से हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी हो गए हैं। थोड़ा सा पानी और सूखने देते हैं इसका। अभी मैंने गैस को हाई पे किया हुआ है, ये देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो हम इसको ढक देते हैं जिससे कि अपने ही खुशबू में बने अच्छे से। और इसको मैंने सिम पे कर दिया, अब से हम 5-7 मिनट सिम पे बनने देते हैं इसको। 2-3 मिनट हो गए हैं, इसको फिर से पलट देते हैं। ऐसे ही इसको बनने देते हैं फिर से। तीन चार मिनट हो गए, फिर से देख लेते हैं। और हमारा चिकन भी गलने लगा है। फिर से इसको ढक देते हैं। ये देखिए हमारा सिक चुका अच्छे से बन चुका है। अब हम थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको फिर से बनने देते हैं। बढ़िया खुशबू आ रही है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ऑलमोस्ट बन चुका है। दो मिनट के लिए इसको फिर से बंद करके रख देते हैं। ये देखिए हमारा चिकन मलाई टिक्का बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मस्त बना है बिल्कुल। इस तरीके से आप बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।